सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपका इस बार थर्ड सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मैं आज बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सो दोस्तों, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको 6 सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, मतलब आपको पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम देना होगा। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल आपका कुछ सब्जेक्ट का होगा, कुछ सब्जेक्ट का नहीं होगा, लेकिन आपको थ्योरी तो 6 सब्जेक्ट का देना होगा। तो आइए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक या हाइड्रोलिक मशीन, इसे शॉर्टकट में HHM के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाएंगे, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाते हैं और ये सब्जेक्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो आपको ये सब्जेक्ट को काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्टकट में CT के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाएंगे, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाएंगे। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपको बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में ई टू जेड पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा इसमें होगा वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसे शॉर्टकट में BC के नाम से भी जानते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आपको एक सब्जेक्ट का नाम याद आ रहा होगा जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपने ये सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो उसी का एडवांस वर्जन आपको इसमें पढ़ना होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और इस सब्जेक्ट में भी आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट में आपका रिटेन एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा होता है वो सब्जेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो आपको ये बात पे ध्यान देना है, जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल, वाइवा, रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं वो सब्जेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चौथा सब्जेक्ट जो हमारा होगा इसमें वो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसे शॉर्टकट में SOM के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपको इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को। इसमें भी आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना होगा वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसे शॉर्टकट में EBS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपको पर्यावरण के बारे में स्टडी कराया जाता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी EBS सब्जेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है बिल्डिंग ड्राइंग, इसे शॉर्टकट में BD के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से। इसमें आपका ओनली थ्योरी एग्जाम होता है, इसमें कोई रिटेन एग्जाम नहीं कराए जाते हैं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्राइंग बनाना होता है जिसका पेपर आपका 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको पासिंग नंबर 20 नंबर लाना होगा तभी आप इस एग्जाम में पास हो पाएंगे बिल्डिंग ड्राइंग में। तो दोस्तों, ये टोटल आपको 6 सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, जिसमें पहला सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, दूसरा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तीसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, चौथा है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, पांचवा है एनवायरमेंटल स्टडीज और छठवां है बिल्डिंग ड्राइंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।